नमस्कार दोस्तों, समुंदर हमें जितने बाहर से देखने पर खूबसूरत लगते हैं, असल में यह अंदर से उतने ही ज़्यादा खतरनाक हैं। मनुष्य ने अभी तक समुंदर के सिर्फ 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर किया है। हमारी पृथ्वी के 71% हिस्से पर समुंदर फैले हुए हैं और इन समुंदरों में 30,000 से भी अधिक मछलियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम आप लोगों को दुनिया की 10 ऐसी मछलियों की प्रजातियों के बारे में बताएंगे जो बेहद ही खतरनाक हैं, जिनके संपर्क मात्र में आने से लोगों की जान भी जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सफ़र को। नंबर 10 पे है पफर फिश। पफर फिश को स्वेल फिश और ब्लो फिश भी कहा जाता है। यह मछली जापान, चीन, फिलीपींस और साउथ अफ्रीका देशों में पाई जाती है। यह फिश बेहद ही खतरनाक होती है। पफर फिश के अंदर टेट्रोडोटॉक्सिन नामक बेहद ही खतरनाक जहर पाया जाता है। इसमें पाया जाने वाला जहर साइनाइड से 1500 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। इस मछली में पाया जाने वाला जहर एक बार में 30 से भी अधिक लोगों की जान ले सकता है। यह मछली खतरा महसूस होने पर अपनी बॉडी को बॉल के आकार में बदल लेती है। नंबर 9 पर है रेड लायन फिश। रेड लायन फिश साउथ पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के इलाकों में पाई जाती है। यह खूबसूरत सी दिखने वाली मछली बेहद ही खतरनाक है। इसका एक डंक ही इंसान को पैरालाइज करने की क्षमता रखता है। कई बार इसके काटने से इंसान की जान भी चली जाती है। यह मछली अपने आसपास खतरा महसूस होने पर अपने पंखों को फैला लेती है। नंबर 8 पे है कैंडिरू फिश। कैंडिरू फिश अमेजोन नदी में पाई जाने वाली एक छोटी सी मछली है। इसे पेंसिल फिश, टूथपिक फिश, वेम्पायर फिश और स्मॉल मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह छोटी सी दिखने वाली मछली बेहद ही खतरनाक और जहरीली है। यह किसी भी इंसान के शरीर में नाजुक हिस्सों पर अटैक करके बॉडी के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद इंसान की मौत निश्चित है। नंबर 7 पे है ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट शार्क समुद्र के कई हिस्सों में पाई जाती है। यह बहुत ही खतरनाक समुद्री शिकारी मछली है। व्हाइट शार्क की लंबाई 15 से 20 फीट तक तथा वजन 2 से 2.5 टन से भी ज़्यादा होता है। यह अपने भोजन के लिए सील तथा छोटी बड़ी मछलियों का शिकार करती है। ग्रेट व्हाइट शार्क बहुत ही शांत स्वभाव की मछली है और यह बेवजह इंसानों पर हमला नहीं करती है। नंबर 6 पे है मोरे ईल। मोरे ईल समुद्र के तल में चट्टानों तथा पत्थरों के बीच छुपकर रहती है। मोरे ईल के 2 जबड़े होते हैं, एक सामान्य जबड़ा जो बड़े बड़े दांतों वाला होता है और दूसरा जबड़ा इनके गले के पास होता है, जिसे फेरिंगियल जबड़ा कहा जाता है, जो शिकार को मोरे ईल के पेट में खींचने में मदद करता है। नंबर 5 पे है इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल अपने आप में एक चलता फिरता पावर हाउस है। यह मछली 400 से 860 वोल्ट तक का करंट जनरेट करती है। यह करंट इतना ज़्यादा होता है कि बड़े से बड़े मगरमच्छ को भी पैरालाइज कर सकता है। इलेक्ट्रिक ईल का शरीर पतला और सिर चपटा होता है। यह दक्षिण अमेरिका के अमेजोन तथा आरिनोको नदी में पाई जाती है। यह करीब 2 मीटर तक लंबी होती है। नंबर 4 पे है टाइगर फिश। टाइगर फिश एक बहुत ही दुर्लभ और ख़तरनाक मछली है। यह फिश अफ्रीका की मलावी झील में पाई जाती है। यह मछली शार्क की तरह ही बहुत खूंखार तथा हिंसक है। यह मछली सिर्फ मगरमच्छ को ही खाना पसंद करती है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र के अंदर सबसे खतरनाक समझे जाने वाले मगरमच्छ को यह मछली पल भर में ही चट कर जाती है। इन मछलियों के मुख में इंसानों की तरह ही 32 दांत होते हैं, लेकिन इनके दांत बहुत ही नुकीले होते हैं, जिससे यह मगरमच्छ की मोटी चमड़ी को भी चीर कर रख देती हैं। इन मछलियों के आगे मगरमच्छ की एक भी नहीं चलती है। नंबर 3 पे है बॉक्स जेलीफिश। यह ट्रांसपेरेंट सी दिखने वाली मछली इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इनके डंक से कोई भी इंसान पल भर में मौत की नींद सो सकता है। जेलीफिश को कभी न मरने वाला जीव भी कहा जाता है, क्योंकि अगर इसको 2 भागों में भी काट दिया जाए तो यह मरती नहीं है, बल्कि उन दोनों भागों से अलग अलग जेलीफिश का जन्म होता है। कहा जाता है कि धरती पर जेलीफिश का अस्तित्व इंसानों से भी पुराना है। यह डायनासोर के काल से धरती पर मौजूद है। इसकी औसतन लंबाई 6 फीट होती है।
तथा इसका वजन 200 केजी तक होता है। यह इंडो पैसिफिक और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नंबर 2 पे है पिराना फिश। पिराना मछली दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है। यह दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। पिराना मछली के दांत बड़े और नुकीले होते हैं। पिराना मछली प्रजनन के समय बहुत ही अग्रेसिव हो जाती है और इस दौरान किसी भी तरह की आहट पर या सामने वाले पर अटैक कर देती है। पिराना मछलियों की खास बात यह है कि ये मछलियां छिपकर तथा झुंड में हमला करती हैं। 1978 में आई हॉलीवुड की मूवी पिराना में इन मछलियों के आतंक के बारे में दिखाया गया है। नंबर 1 पे है स्टोन फिश। स्टोन फिश दुनिया की सबसे जहरीली मछली मानी जाती है। स्टोन फिश बिल्कुल पत्थर जैसी दिखती है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। स्टोन फिश के अंदर वेरिको टॉक्सिन नामक खतरनाक जहर पाया जाता है। यह जहर इसके ऊपर की सेल में रीढ़ की हड्डी में जमा होता है और यह पत्थरों के बीच छुपकर बैठती है, और अगर गलती से किसी व्यक्ति का इसके ऊपर पैर पड़ जाता है तो यह उस व्यक्ति के वजन के अनुसार न्यूरोटॉक्सिन जहर रिलीज करती है, और कई बार टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण उस व्यक्ति के पैर को भी काटना पड़ जाता है। दोस्तों, यही थी वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट डेंजरस फिश। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो राइट साइड में शो हो रही वीडियो पर क्लिक कीजिए। आई एम श्योर आप लोगों को ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा। मैं आप लोगों से वहीं पर मिलता हूँ। धन्यवाद।